हेलो एवरीवन, हम यहाँ अभी चंद्रताल घूमने आए थे। तो हम रास्ते से अभी कोकसर से आगे निकले तो वहाँ पे अभी स्नोफॉल हो रही है, तो वहाँ हमें नहीं जाने दिया गया। हम वापस आ रहे थे तब हमने देखा कि रास्ते में जहाँ से हम गुजरे थे एक घंटा पहले, यहाँ से बिल्कुल रास्ता साफ था। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हो रही है और 15 से 20 गाड़ियाँ आगे वहाँ पर फंसी हुई हैं और 10-12 गाड़ियाँ जहाँ पर रुकी हुई हैं, उसके बाद 10 से 12 गाड़ियाँ पीछे रुकी हुई हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे जेसीबी जो पत्थर गिरे हैं उनको हटा रही है। ये मेरा दोस्त विक्रांत मेरे साथ में है, हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। डर तो बहुत लग रहा है कि आगे जाएं, तो रिस्क बहुत है क्योंकि जीत डर के आगे जीत है। तो एक बार जा कर के देखते हैं क्या माहौल है आगे का। अरे बाप रे, इतनी गहरी खाई, यहाँ से निकलेंगे तो बाबा डर लग रहा है, ये ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा रिस्क है। यहाँ से देखें जा करके। अरे 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 अरे, निकल गए, क्या बात है। अभी जेसीबी वाले के साथ बात करते हैं एक बार से, देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। ये देखो कितनी गहरी खाई है, यहाँ पे बहुत गहरी खाई है। दूसरी तरफ लोग खड़े हुए हैं, तो एक बार जेसीबी वाले भाई से बात करते हैं कि कब तक ये खुल पाएगा। तो भाई विक्रांत क्या बोल रहे भाई? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है इनकी। तो टाइमिंग कितनी हुई पता है कुछ है? कब तक खुल जाएगा? नहीं, इतना कुछ नहीं पता। भाई साहब बोल रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर हैं जो गिरे हुए हैं, वो सामने आप देख सकते हो। तो देखते हैं, हम भी दूसरी तरफ आ चुके हैं, तो एक बार इनसे पूछ लेते हैं। कब तक खुल जाएगा ये पता है आपको? बता दोगे कुछ? मशीन से होगा तो थोड़ी। वो सही बात है, मेरे को लगता है ज़्यादा है पत्थर, हैवी है ना, जो कोई बीच में गिरा हुआ। हाँ, तो बाइक के निकल की कोई रास्ता बन सकता कि नहीं? चलो देखते हैं ना, फिर उसी हिसाब से अगर वो हटेगा तो तब जाके। सही बात है, सही। पहले मशीन भी घुसनी चाहिए ना के। सही बात है, मशीन को तो मशीन की जगह पूरी चाहिए। वो तो है भाई, जब जगह नहीं होगी पूरी तो मशीन नहीं जाएगी, तो बाइक कैसे जाएगी। सही बात है। थैंक यू भाई। अभी हम दूसरी तरफ से, पहले मैं वहाँ पे रुका हुआ था, तो अभी मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, वहाँ से जेसीबी के पास हूँ। मैंने बात की है जेसीबी जो भाई साहब चला रहे हैं, ड्राइवर हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो इतने बड़े पत्थर हैं, जेसीबी से बड़ा पत्थर होगा तो मैं उसको कैसे एक साइड पे लगाऊंगा। तो देखते हैं, कोशिश जारी है कब तक ये खुलता है रास्ता। तो मैं भी जाता हूँ एक बार, दूसरी तरफ जा रहा हूँ, यहाँ पे भी रिस्क है थोड़ा सा, पहले निकलने दो मेरे को, फिर बात करते हैं एक बार। अरे बाप रे, ये देखो कितनी गहरी खाई है यहाँ पे, बहुत डर लग रहा है भाई। आए भाई, आए, आगे निकले, आ चल चल चल, सही बात है। देख करके भैया, अरे छोड़े भाई, छोड़े, रुक, पत्थर फिसल रहे हैं भाई, थोड़ा ध्यान से। अरे यार, चलो हम फिर दूसरी तरफ आ गए हैं, और मैं दस दवा अपने पंजाबी वीरां नूं कि हिंदी च थोड़ी जी वीडियो तां बनाउणी पैगी मैनू, क्योंकि जिथे हुण आपां खड़े इत्थे सारे हिंदी बोलण वाले ने, और उन्होंने मैनू कहा सी कि ब्रदर आप थोड़ा हिंदी में इसको जो वीडियो बनाओगे तो हिंदी में बना दो, क्योंकि हम भी अपनी वीडियो देखना चाहते हैं और अपने घर वालों को दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैं वीडियो नूं हिंदी च बोलिया। तो हुण आपां थोड़े टाइम तक इत्थों, थोड़ा टाइम की कहना होता, मैं लगता रात इतने पैनी है, जो सा जेसीबी वाले ने बोलिया है। चलो बाकी देखते हैं कि बनता। ये कुछ भाई लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हम यहाँ से बाइक निकाल लेंगे, अपनी बाइक की जो जगह है वो बना रहे हैं, वो पत्थरों से बना रहे हैं, तो आपको एक बार दिखा दें, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि डर के आगे जीत है। तो एक बार दिखाऊँ आपको, ये देखो पत्थर से अपना रास्ता बना रहे हैं जी, बोले बाइक हम यहाँ से निकालेंगे अपनी, तो इस तरफ खाई है, खाई से कोई डर नहीं लग रहा है इनको, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा इनको, इनकी बाइक वो पीछे रुकी हुई है, तो ये अभी अपना रास्ता खुद बना रहे हैं, यहाँ से अपनी बाइक लेकर के निकलेंगे यहाँ से। ये देखिए ये रास्ता है,
यहाँ से अपनी बाइक लेकर के निकलेंगे। यहाँ पे हमारा एक साथी विक्रांत भाई, वो भी इनके साथ बोल रहा है कि मैं भी अपनी बाइक निकालूँगा, तो हो सके वो भी उनके साथ अभी देखो वो कर रहे हैं कुछ। हाँ जी भाई साहब, आप भी बाइक निकालोगे यहाँ से? अरे बाप रे, इन्होंने तो बढ़िया 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 यार, बन गया रास्ता तो निकल जाएगा आपका, पर रिस्क है भाई। बाइक निकलेगा? पक्की बात है निकलेगा बाइक? पक्का निकलेगा भाई। क्या बात है, डर के आगे जीत है, सही बात है। ये पत्थर, अरे बाप रे, ये बोल रहे हैं भाई निकालेंगे, ये तो एडवेंचर होगा भाई। गिरा दो भाई। हरियाणा से हो? हिमाचल तभी कर रहे हो? ये भाई साहब आ रहे हैं यहाँ से, ये बोल रहे हैं कि गाड़ी हम यहाँ से निकाल लेंगे अपनी। अभी बहुत ज़्यादा रिस्क वाली बात है क्योंकि 2 फुट का रास्ता है सारा, यहाँ से 2 फुट तक गाड़ी जानी है। रिस्क अभी भाई लोगों ने इसको बंद करके निकाला है, ये बंद कर दिया बाइक को। तो अभी विक्रांत से उनका व्यू लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं वो। विक्रांत भाई क्या बोल रहे हो, बाइक्स निकल जाएंगी? तो चलो देखते हैं, हमारे साथी लोग हैं जो उनसे बात करते हैं, बाइक निकालनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद हम अपने बाइक की जो बाइकर्स हैं उनके पास चले हैं। चले भाई, ये हेलमेट दे दो भाई। चलो अभी जेसीबी चली गई है, तो जो पत्थर जेसीबी से साइड पे नहीं हुए थे, साइड पर नहीं हुए थे, तो अभी इन पत्थरों को ब्लास्ट से तोड़ा जाएगा। यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी, पत्थर गिर रहे थे, वहाँ से सभी लोगों को हटा दिया गया है। वहाँ पे भी एक गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी भी यहाँ पे वहाँ से चली जाएगी। वो एक गाड़ी सामने देख रहे हो, वो भी यहाँ पे रुकी हुई थी गाड़ी, वो सामने जा रही है, जो दूसरी गाड़ी भी वो देखो आप, तो वो गाड़ियाँ सारी पीछे कर रही हैं क्योंकि वहाँ पे भी ब्लास्ट होगा, तो वही जो उनकी लाइनिंग है वो बिछा रहे हैं सभी, 1 घंटे तक ये ब्लास्ट होगा। और वहाँ से हम भी, वहाँ से हमारी बाइक रुकी थी तो हमने बाइक उठाई और अपनी बाइक यहाँ पे लेकर आए हैं। कहाँ पे बहुत तगड़ा ब्लास्ट हो गया, भागो, बहुत खतरनाक ब्लास्ट हुआ। देखो यहाँ से पत्थर गिरने की क्या है। अरे यार वो हो रहे, भागो। हमने तो मनाली के लिए निकलना है, ये भाई लोग रुकेंगे अभी उपसर में, उपसर के लिए यहाँ से टाइम लगेगा 1 घंटा पूरा, तो मनाली के लिए 3 घंटे। हमने अभी लंच भी करना है, वो जो पीछे रुके हैं हमारे साथी वो तो लंच नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वहाँ पे रुके हैं, जब तक रास्ता नहीं खुलेगा, अभी तक रास्ता खुला नहीं है। जेसीबी अपना काम कर रही है अभी भी, तो अभी हम जहाँ से वापस जा रहे हैं अपना, जो हम मनाली जाएंगे, मैं और विक्रांत मनाली जाएंगे, रात को रुकेंगे, और जो बाकी साथी हैं वो अपना कोकसर में अपना स्टे करेंगे आज।